आज हम बात करेंगे शाहिद कपूर के जीवन की कुछ दिलचस्प बातों के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, शाहिद कपूर फिल्म दिल तो पागल है और फिल्म ताल में बैकग्राउंड डांसर थे, जो कि हीरो और हीरोइन के पीछे नाचते हैं। दोस्तों, शाहिद कपूर पहले नॉनवेज खाते थे, मगर एक किताब लाइफ इज फेयर को पढ़ने के बाद उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं शाहिद कपूर की लव लाइफ के बारे में। शाहिद कपूर का पहला प्यार करीना कपूर नहीं बल्कि रिशिता भट्ट थी, जो कि आर्यन म्यूजिक एल्बम में उनकी को स्टार थी। शाहिद कपूर के करियर में उनका नाम कई अभिनेत्रियों से जोड़ा गया, जैसे रिशिता भट्ट, करीना कपूर, अमृता राव, प्रियंका चोपड़ा, बिपाशा बसु, विद्या बालन, अनुष्का शर्मा। शाहिद कपूर बॉलीवुड में चॉकलेट बॉय के नाम से भी प्रसिद्ध है। शाहिद कपूर अपने पासपोर्ट पर अपने सौतेले पिता राजेश खट्टर के सरनेम का इस्तेमाल करते हैं। शाहिद कपूर के फेवरेट एक्टर उनके पिता पंकज कपूर और फेवरेट एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स है। फिल्मों से पहले शाहिद टेलीविजन कमर्शियल और म्यूजिक वीडियोस में काम करते थे। एक बात जानकर आपको हैरानी होगी कि शाहिद कपूर एक्टर नहीं बल्कि प्रोफेशनल डांसर बनना चाहते थे। शाहिद कपूर बॉलीवुड के सबसे अट्रैक्टिव एक्टर्स में से एक है। शाहिद कपूर ने अपने दम पर कई सुपरहिट फिल्में दी है और उन फिल्मों ने करोड़ों की कमाई की है। उन्हीं फिल्मों में से एक मशहूर फिल्म है उड़ता पंजाब, जिसने पूरे भारत में धूम मचा दी थी। इस फिल्म को लेकर कई सारे वाद विवाद हुए, मगर इस फिल्म का कंटेंट अच्छा होने के कारण इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छी कमाई की और इस फिल्म में शाहिद के अभिनय की बहुत तारीफें भी हुई। एक और फिल्म है हैदर। फिल्म हैदर के लिए कहा जाता है कि शाहिद कपूर की अभिनय में ये सबसे अच्छी फिल्म है। हैदर का किरदार उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से निभाया था। और उनकी अगली आने वाली फिल्म है कबीर सिंह। फिल्म कबीर सिंह में भी वो बहुत ही अच्छे और दमदार किरदार में नजर आ रहे हैं। शाहिद इस किरदार को कितनी अच्छी तरह से निभा पाते हैं ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, शाहिद कपूर के सबसे अच्छे निभाए गए किरदार या उनकी फिल्म को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।